दोस्तों आपने नट और बोल्ट देखा ही होगा, नट के अंदर से थ्रेड होता है और बोल्ट के बाहर से थ्रेड होता है। तो ये थ्रेड कैसे बनाए जाते हैं, आज इसकी हम लोग कटिंग विधि को समझेंगे, जिसको हम लोग टैप्स और डाई बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि टैप कैसे काम करता है और कैसा होता है। टैप जो होता है दोस्तों, एक कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा एक सिलेंड्रिकल होल के अंदर चूड़ियाँ यानी कि थ्रेड्स काटी जाती हैं, उनका फिनिशिंग किया जाता है। और बिना फिनिश किए किसी भी छेद में टैप को नहीं चलाना चाहिए। टैप के द्वारा किसी भी छेद के अंदर चूड़ी काटने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग टैपिंग कहते हैं। टैप्स जो होते हैं वो प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने जाते हैं, जिनकी बॉडी जो होती है उनको हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। टैप की जो बेलनाकार यानी कि सिलेंडर की जो है चारों तरफ थ्रेड्स बनी होती है, और कटिंग एज के लिए इन चूड़ियों को काटते हुए टैप की लंबाई में कुछ ग्रुप्स या फ्लूट्स भी कटे होते हैं। लोग और डिटेल में समझे दोस्तों, तो अगर बॉडी की बात करें तो जो टैप के चूड़ी कटे हुए भाग पे थ्रेडेड पोर्शन होता है उसकी पूरी लंबाई को हम लोग इसकी बॉडी बोलते हैं। शैंक होता है इसमें दोस्तों, जो कि बॉडी के बाद सपाट प्लेन सिलेंडर भाग जो होता है उसको शैंक बोलते हैं। शैंक के किनारे पर जो वर्गाकार भाग को हम लोग टैंक बोलते हैं। फ्लूट्स की अगर हम लोग बात करें तो टैप की बॉडी में लंबाई की तरफ चूड़ियों को काटते हुए कुछ ग्रुप्स कटे रहते हैं, जिनको हम लोग फ्लूट्स बोलते हैं। फ्लूट्स से कटिंग एज बनते हैं और कटी हुई चिप बाहर निकाल दी जाती है और लुब्रिकेंट कर दिया जाता है। दो फ्लूट्स के बीच वाला जो मेटल होता है उसकी चौड़ी सतह को जिस पर चूड़ियाँ कटी रहती हैं उसको हम लोग लैंड बोलते हैं। लैंड के चूड़ीदार भाग के अगले अंग को हम लोग कटिंग फेस कहते हैं। लैंड के चूड़ीदार भाग के पिछले अंग को हील एड़ी कहते हैं। बॉडी के नीचे वाला भाग जहाँ पर चूड़ियाँ को टैपर में ग्राउंड किया जाता है उसे हम चैम्फर कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट टैप के चैम्फर किए हुए आगे वाले सिरे के बाहरी जो पॉइंट होते हैं उनको हम लोग रूट डायमीटर कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग डाई की बात करें, जिस प्रकार भीतर चूड़ियाँ काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार की जो बाहरी चूड़ियाँ होती हैं उनको काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो बाहरी चूड़ी वाले भागों के कुछ समान एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारा बोल्ट, स्टड व पाइप, इस प्रकार में क्या होता है कि वी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियाँ कटी होती हैं। और कटिंग एज बनाने के लिए कुछ फ्लूट्स भी बनाए जाते हैं। जो डाई होता है ये हमारा प्रायः जो होता है हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और इसको हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त डाइयाँ जो होती हैं टूल स्टील या एलॉय स्टील की भी बनाई जाती हैं। डाई जो होती है गोल अथवा चौरस होती है जिसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं। चूड़ियों के जो है कटिंग एज बनाने के लिए कुछ फ्लूट्स भी कटे होते हैं। डाई एक तरफ की शुरू की कुछ चूड़ियों चैम्फर भी की होती हैं ताकि अपने साइज की छड़ पर आराम से कट को कर सके। हम लोग अगर डाई के प्रकार की बात करें तो इसके जो मुख्य प्रकार होते हैं वो होते हैं ठोस डाई, स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, डाई नट, डाई प्लेट, पाइप डाई, डाई चेजर और एक्रन डाई। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।